लेकिन हमने सोचा आज आपको रानी का तालाब दिखाई देते हैं। प्रयागराज से जौनपुर जाने वाले रास्ते पर यह रानी का तालाब स्थित है। आप सामने देख पा रहे हैं, ये बाहरी प्रदेश है। 1913 में इस घाट को बना करके तैयार किया गया था और इस घाट में लगभग जो है कि लगभग 8 घाट आ देते हैं। देखिए कितना भव्य तरीके, इधर से भी ये मंदिर लिखा गया कि पुरुष के साथ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जुर्माना 5,000 रुपये। और उस तरीके रहता कि आप यहाँ पर स्नान आराम से करते, स्नान करने के बाद इधर अपना कपड़ा वगैरह। महिला घाट के ऊपर है, देखिए बस हम रानी के तालाब का जो इतिहास है वो देखिए। अभी मैं इसमें जौनपुर जा ही रहा था कि हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी। आप हमारे जो पीछे देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग रानी का तालाब है, तो हमने सोचा क्यों जाते समय मैं इसको आज कवर जरूर करूँगा। पहले भी हम तमाम इस रास्ते पर कई बार आ चुके हैं लेकिन कभी कवर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमने सोचा आज आपको रानी का तालाब दिखाई देते हैं, कुछ जो भी इसकी खास बातें वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये रानी का तालाब है, जल संचयन को लेकर के इसका निर्माण कराया गया था। आज हम इसके पूरे इतिहास को आप तक खंगाल के दिखाने वाले हैं। प्रयागराज से जौनपुर जाने वाले रास्ते पर यह रानी का तालाब स्थित है। आप सामने देख पा रहे हैं ये बाहरी प्रदेश है। लगभग प्रयागराज से 37 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह रानी का तालाब बना हुआ है। सामने है रामलीला कमेटी, जहाँ पर की रामलीला होता है। लगभग इसको भी 1977 से शायद वहाँ पर लगातार जो है वो चल रहा है रामलीला। आइए चले चलते हैं यहाँ से अंदर और इसकी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये गेट देखिए 2012 में बना है और स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह की पुण्य स्मृति में गेट का निर्माण मनीष सिंह द्वारा सन 2012 में कराया गया। देखिए यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब पूरी तरह देखिए 3 शेड जो है यहाँ पर छाया हुआ है और लगातार मंदिर का तो देख रेख यहाँ के पुजारी जी करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तालाब है वो इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। देखिए मंदिर की पुताई वगैरह तो अच्छी है, ये भी कुछ है इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं समझ में आया कि हिंदी में लिखा है, कुछ उर्दू में लिखा है, कुछ इंग्लिश में लिखा है। अब देखिए फिलहाल यहाँ से देखिए ये चालू होता है रानी का तालाब का दृश्य। आप देख सकते हैं कि देश में जल संरक्षण के नाम पर तमाम योजनाएँ तो चल रही हैं, इन योजनाओं को चलाने में करोड़ों रुपये खर्च भी किए जा रहे हैं। और इसी में देखिए वाटर बॉडीज यानी जल संचयन को भी केंद्र संरक्षित करने का ढिढोरा तो पीटा जा रहा है, लेकिन इसके नाम पर करोड़ों रुपए जो है वो टकारे भी जा रहे हैं। यह राजधानी से दूर दराज इलाके तक में भी देखा जा सकता है। राजधानी से दूर क्योंकि देश की जो राजधानी की तरह ही दूर दराज के इलाकों में भी जल संचयन के संसाधन सूख रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद के फूलपुर में बना 100 साल से भी ज़्यादा पुराना रानी का तालाब, पुराना भी है और नायाब भी कह सकते हैं, ये भी मर रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार इसकी पानी अब नीला हो चुका, क्या कहते हैं, हरा हो चुका है। देखिए लेकिन इसके हम लोग थोड़ा सा इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये अंग्रेजों के शासनकाल में राजा राजवाड़ों और रियासत के हुक्मरान की तूती बोलती थी और उनके आदेश का पालन हमेशा होता था, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। लेकिन इसी में देखिए इलाहाबाद शहर से करीब 37 से 40 किलोमीटर दूर फूलपुर रियासत थी और इसी के राजा के जो राजा थे राय बहादुर प्रताप सिंह, उनकी रानी का नाम गोमती था और राजा की मौत के बाद रानी गोमती ही सारा काम कर देती थी। उसी समय एक बार उनके इलाके में लोगों ने पानी की समस्या उठाई तो रानी गोमती ने तालाब बनाने का हुक्म दिया और ये वही तालाब है जिसको उस समय बनवाया गया था। लगभग 1913 में कहा जाता है कि इस तालाब का जो है वो निर्माण कराया गया। 1913 में इस घाट को बना करके तैयार किया गया था और इस घाट में लगभग जो है कि लगभग 8 घाट हैं, इस तालाब पर लगभग 8 घाट हैं और इसकी बनावट भी आप देख सकते हैं किस तरीके इसको बनाया गया है। देखिए मतलब यहाँ पर नहाने के बाद आप कपड़ा बदलने के लिए कुछ इस प्रकार का सीन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें महिलाएँ और जानवरों के लिए अलग घाट बनाया गया था। इस तालाब की जो सबसे खास बात जो खासियत है किसे महिला घाट भी बनाया गया और रानी का जो सामाजिक न्याय उस जमाने में देखने को मिला जब महिलाओं की इच्छा को नगण्य माना जाता था। लेकिन रानी ने तालाब के अंदर जो महिला घाट बनाया उसकी कारीगरी और खूबसूरती देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। ये हमें पहली बार सुना कि किसी तालाब के अंदर महिला घाट बनाए और वो भी उस तरह का कि महिलाएँ स्नान करें तो किसी को कुछ भी दिखाई न पड़े। लोग ये भी बताते हैं कि रानी खुद यहाँ स्नान करने आया करती थी और ये अंदाज आप तालाब की तस्वीर देखकर भी लगा सकते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस तालाब को जिस समय बनाया गया था उस समय तालाब में देश की 121 नदियों का पानी मिलाया गया था और इसी वजह से कहा जाता है कि
आज भी इसका जो पानी है वो सूखता नहीं है, और आप देख पा रहे हैं कि जल इसमें बराबर रहता है और पूरे वर्ष। लेकिन तालाब की हालत देखकर यही कहा जा सकता है रानी का तालाब अब मर रहा है, क्योंकि आप इसकी रंगत को देखिए किस प्रकार जो है, इसमें कोई स्नान करने लायक अब तो नहीं बचा है। क्योंकि तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। और इस तालाब के साथ एक हनुमान मंदिर बनाया गया। हनुमान मंदिर के पुजारी जो है वो जगन्नाथ लक्ष्मण पाटिल हैं। ये पुजारी जो मूलतः वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन भ्रमण के दौरान उनको यह तालाब पसंद आया और तब से ये यहीं पर रहे। और पुजारी जी कहते हैं कि इन्होंने तालाब के आसपास की काफ़ी सफाई करवाई, लेकिन उनके अकेले इस तालाब का रखरखाव संभव नहीं है। सबसे पहले आपको मंदिर हम दिखा देते हैं, देखिए कितना भव्य तरीके इधर से भी ये मंदिर दिखाई दे रहा है। और देखिए इस तरफ से तालाब का व्यू, देखिए पुजारी जी का तो यहाँ तक कहना है कि दबंगों का कहीं ना कहीं अब इस पर कब्जा ना हो जाए, एक संदेह भी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए चलिए ऊपर से चलते हुए आपको दिखाते हैं पूरे इस घाट का भ्रमण हम आपको करा ही देते हैं। देखिए और ये 8 घाट हैं, और सामने जो है ये महिला घाट संभवतः वहीं है। चलिए वहाँ के कुछ लोग हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, तो वो भी बातें यहाँ से निकल करके आ जाएंगे कि आखिरकार वो महिला घाट वहीं है या कौन सा। अभी तो ये घाट जर्जर स्थिति में, लेकिन उस समय के काल में कितना बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा ये अभी भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 100 साल पहले जब अभी इतना खूबसूरत है तो 100 साल पहले कितना खूबसूरत रहा होगा। देखिए और कहीं ना कहीं मंदिर का रखरखाव तो बढ़िया है, लेकिन घाट का रखरखाव भी बढ़िया हो जाता तो कितना अच्छा। अगर यहाँ के हम लोग वर्तमान सांसद की बात करें तो केसरी देवी पटेल इसमें यहाँ के वर्तमान सांसद है, और पहले यहाँ पर कांग्रेस से यानी कि जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर उनका पर पुराना गहरा नाता रहा है, और यहीं के सांसद रहते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। और देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी रहे, वो भी इस यहीं से सांसद चुनकर गए थे, और उसके पहले जवाहरलाल नेहरू यहाँ के सांसद थे ही। लिखा गया कि पुरुष के साथ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जुर्माना 5,000 रुपये, और तालाब परिसर में शराब व अन्य प्रकार का नशा करना मना है, जुर्माना 5,000 रुपये। देखिए कुछ इस प्रकार का भी हो, और यही वो जगह है जहाँ पर कि जो महिला स्नानागार बनाया गया था वो यही है। चलिए आइए आपको नीचे ले चलते हैं और वहीं से पूरा जो व्यू है वो हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार का स्नानागार था, जैसे कि यहाँ पर स्नान करने पर लोग जो है, देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ का स्नानागार है, और यहीं पर स्नान करते हैं और अपना यहाँ पर कपड़ा बदल लेते, कोई देखने वाला नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार था ये यहाँ पर भी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जर्जर होने के बाद टूट चुका है। तो यानी कि महिला स्नानागार, महिला घाट अलग से बनाया गया था, और हिस्ट्री में ऐसा भी कहा जाता है इतिहास में कि यहाँ की जो रानी थी वो भी यहाँ पर आकर के स्नान जो है वो किया करती थी। देखिए इधर का घाट कुछ इस प्रकार था, लेकिन देखिए अब ये भी टूट चुका है, देखिए, और नहीं तो पूरा उस तरीके रहता कि आप यहाँ पर स्नान आराम से करते, स्नान करने के बाद इधर अपना कपड़ा वगैरह बदलने का जो सिस्टम था वो यहाँ पर कर सकते थे। लोग महिला घाट के ऊपर हैं, देखिए यहाँ से किस प्रकार का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये रहा महिला स्नानागार, और सामने है मंदिर, मंदिर के बगल में नाटक जो रामलीला कमेटी का वो स्थान। देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ। देखिए हम लोग वापस हो रहे थे, देखिए यहाँ पर भी ये पता नहीं पहले के बना है कि अब बना है, ये भी एक घाट बना हुआ है। और देखिए क्या बेहतरीन व्यू है यहाँ का, देखिए कुछ इस प्रकार है इस तालाब का व्यू। 100 साल पहले लगभग इस तालाब का निर्माण कराया गया था, अब कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में, और कहीं ना कहीं इसके देख रेख की आवश्यकता जरूरी है। देखिए ये है आपका श्री रामलीला कमेटी संस्थापक का स्वर्गीय अमर बहादुर सिंह, और हरभानपुर और वासी मैं बहादुरगढ़ रानी का तालाब खुलकर प्रयागराज। देखिए ये रहा मंच रामलीला कमेटी का, और इधर का थोड़ा सा हम रानी के तालाब का जो इतिहास है वो देखिए
जनपद प्रयागराज की तहसील फूलपुर के अंतर्गत ग्राम हरवांसी में बहादुरगढ़ में यह स्मारक रानी के तालाब के नाम से विख्यात है। स्मारक का यह तालाब लगभग 100 x 100 मीटर के वर्गाकार क्षेत्रफल में निर्मित है। इस स्मारक का निर्माण पक्की ईंटों एवं प्रस्तर पट्टियों के द्वारा किया गया। स्मारक के प्रत्येक दिशा में घाट के मध्य में 2 संरचनाएं बनी हैं, जिसमें बरामदा व काष्ठक निर्मित हैं। इस तालाब की संरचना महिलाओं के लिए जनाना घाट की व्यवस्था जो हमने आपको दिखाया। स्मारक में तालाब से जुड़ी संरचनाओं में छत ईंट और पट्टिकाओं से तथा बाहरी भाग में नक्काशीदार प्रस्तर आधार लगे हैं। इसके अतिरिक्त तालाब के जल तक आसानी से पहुँच के लिए चतुर्दिक पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर तालाब के पश्चिमी छोर पर छोटा मंदिर निर्मित है और जो हमने आपको दिखाया था ये मंदिर, और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण जल संरक्षण पर्यावरण दृष्टि महत्वपूर्ण है और ये संभवतः 18वीं से 19वीं शताब्दी पर निर्मित है। और क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी प्रयागराज ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये रहा रामलीला कमेटी का ये सीन, इधर का ये सीन, और ये रहा तालाब का सीन। चलिए, मछली पकड़ना मना है, 5000 रुपये जुर्माना, परिसर में शराब पीना मना है। देखिए, इसमें हम लोग रानी के तालाब पर थे जो कि फूलपुर में है, प्रयागराज जिले के अंतर्गत आता है, और हमने सोचा क्यों ना इसकी जो बदहाली की स्थिति हो आपको दिखाया जाए और कहीं ना कहीं इस पर जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। चलिए, फिलहाल हम लोग फिर से मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।